हम लोग मेसी के ग्रेटनेस के बारे में तो जानते ही हैं। मेसी ने कितनी ट्रॉफी जितवाई अर्जेंटीना को, मेसी ने कितनी अपने क्लब बार्सिलोना को ट्रॉफी जितवाई है, उसके बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पांच इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में मेसी के, जो उनके करियर में घटित हुई है। सबसे पहले जो मेसी को अपने बचपन में एक हार्मोन डिफिशेंसी से झेलना पड़ा था, जिससे उनकी जो हाइट थी वो रुक गई थी। और जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो उनका जितनी भी जो हार्मोन डिफिशेंसी हुई थी और उसका जो बिल था, वो सारा बार्सिलोना की टीम ने भरा था। मतलब इससे दिखाते हैं कि जो मेसी और बार्सिलोना के जो रिलेशन थे आपस में, वो बहुत कमाल के थे। हार्मोन डिफिशेंसी होने की वजह से उनकी जो हाइट है वो अभी भी इतनी खास कुछ बढ़ नहीं पाई है, क्योंकि आप अगर कंपेयर करते हो कुछ हाइटेड प्लेयर से तो उनकी जो हाइट है वो छोटी रहेगी। लेकिन जो उनकी ड्रिबलिंग स्किल्स है, जो उनके प्लेयर्स को बीट करने की जो स्किल्स है, वो अभी तक उनकी कायम है। उसके बाद जो मेसी जो आइकॉनिक सेलिब्रेशन करते हैं, जो उनका ये आइकॉनिक सेलिब्रेशन है जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, जो हाथ उठा के ऊपर ऐसे सेलिब्रेशन करा करते हैं, वो जो उनका सेलिब्रेशन है वो ऊपर देख के जो करते हैं वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए करते हैं, क्योंकि ग्रैंड मदर उनकी एक्सपायर कर चुकी है। तो वो ऊपर देख के अपनी ग्रैंड मदर को याद करते हैं और उसको एडमायर करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मेसी को प्रेरित किया था कि तो आप जाके फुटबॉल खेलो। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि मेसी ने एक बारी बहुत सारे पिज़्ज़ास खा लिए थे, जिसकी वजह से जो उनका वेट था वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गए थे। लेकिन उससे ही उसके बाद ही उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करे थे फॉर बार्सिलोना। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मेसी के बारे में है कि मेसी एक बारी इंडिया आ चुके हैं कोलकाता। कोलकाता में वो सॉल्ट लेक स्टेडियम में आए थे, और सबसे बड़ी बात कि वो सिर्फ लोगों से मिलने नहीं आए थे, वो एक फ्रेंडली मैच खेलने आए थे वेनेजुएला के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर वो वेनेजुएला के साथ खेलने आए थे इंडिया, और पूरा स्टेडियम ऑलमोस्ट फुल पैक था, 75,000 लोग आ रखे थे। तो इससे दिखता है कि इंडिया में भी मेसी का कितना क्रेज़ है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है कि मेसी को आज तक सिर्फ तीन रेड कार्ड्स मिले हैं, और एक रेड कार्ड जो उनको स्टार्टिंग ऑफ द करियर में मिला था, जब वो 2005 में उनको स्टार्टिंग में मिला था। उसके बाद एक और जो इनके बारे में एक फैक्ट आता है कि जो मेसी के पास दो पासपोर्ट्स हैं, मेसी का एक पासपोर्ट अर्जेंटीना के लिए, मेसी का दूसरा पासपोर्ट जो है वो स्पेन के लिए है। और जो मेसी का पासपोर्ट जो स्पेन के लिए है, एक बार स्पेन की गवर्नमेंट ने उनको अप्रोच किया था कि वो स्पेन के लिए खेले, लेकिन वो मैं ऑफर जो था मेसी ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनको अपनी कंट्री से ही बहुत ज़्यादा प्यार था। उसके बाद जो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब मेसी बार्सिलोना के लिए उन्होंने जब साइन किया था, तो उनको एक नैपकिन में उनके जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे बार्सिलोना ने, उनको नैपकिन पे लिख के दिया था कि आप जो है हमारे लिए साइन करते हो। तो मतलब उस टाइम के हिसाब से वो नैपकिन पे लिखा जाता था। तो इस तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है मेसी के बारे में। आपको ये कैसे लगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।